लॉकडाउन में बनाइए घर बैठे गर्मा गर्म मज़ेदार चीज़ पकोड़े, तो बहुत ही डिलीशियस बने हैं। साथ में बहुत ही आसान रेसिपी है, आपको जानना है तो वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। मैं आपको इसको निकल कर दिखाती हूँ कैसे बनाएं। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अच्छे अच्छे वीडियोस मिस ना कर सकें। चीज़ पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है बेसन, करीबन 150 ग्राम जितना बेसन है, ग्राम फ्लोर जो कहते हैं वो 150 ग्राम। और इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, और यह लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कसूरी मेथी लिया है 2 टीस्पून के करीब, तो फ्लेवर अच्छा आएगा, गार्लिक 1/2 टीस्पून, नमक टेस्ट अनुसार स्वाद अनुसार, और जीरा लिया है 1 टीस्पून, और ये है चीज़। दोस्तों ये फेटा चीज़ है, मोज़रेला चीज़ से क्या होता है रब्बा जैसे खिंचा होता आता है, ये मक्खन की तरह होता है फेटा चीज़। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जो ये कसूरी मेथी इसे थोड़ा सा क्रश करेंगे इस तरह से। एक क्रश करने से क्या होगा, अच्छा सा इसका फ्लेवर उभर के आएंगे आटे में, तो इसीलिए क्रश करना ज़रूरी है। और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जैसे आप नॉर्मली पकोड़े बनाते हैं बेसन मिक्स करते हैं ना, उसी कंसिस्टेंसी में आपको तैयार करना है इस आटे को पकोड़े बनाने के लिए। पर ज़्यादा लिक्विड जैसा नहीं बनाना है, थोड़ा सा थिक ही रखिएगा ताकि जो हम चीज़ पकोड़े बना रहे हैं चीज़ इस आटे में अच्छे से स्प्रेड हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आटा अच्छे से लग जाए चीज़ में, नहीं तो चीज़ पूरा बाहर निकलकर ऑयल में आ जाएगा और पकौड़े ख़राब हो जाएंगे। तो इसे ढककर रख देंगे करीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट हो चुके हैं, आटा अच्छे से सेट हो चुका है, इससे थोड़ा सा फूलते हैं, मतलब क्रिस्पी भी बनते हैं फूलते हैं। तो इसमें मैंने तेल डालिया है 2 टीस्पून जितना, तो तेल डालने से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे ये पकौड़े, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और आपको गरम तेल ही डालना है दोस्तों। तो अभी मैंने इसमें चीज़ को डाल दिया, और इसे अच्छे से 2-3 बार इस तरह से घुमाएंगे ताकि आटा जो है बेसन का अच्छे से लग जाए इसमें। तो इस तरह से अच्छे से आप घुमाइएगा 2-3 बार, और इसे ऑयल में डाल देंगे। तो पहले ऑयल को आप अच्छे से गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद मीडियम फ्लेम पर रख दीजिएगा। तो दूसरा चीज़ डाल दिया, इसे भी इसी तरह से हम घुमाएंगे 2-3 बार ताकि अच्छे से कोटिंग हो जाए इसका। तो इसे घुमा लेते हैं पकौड़े को ताकि नीचे से जले ना। है इसे 2 इसलिए डाला है क्योंकि ऑयल भी मैंने कम डाला है, साथ में ये चिपक जाएंगे तो क्या होगा चीज़ बाहर आ जाएगा, इसीलिए चिपकने नहीं देना है एक दूसरे को, इसीलिए मैंने 2 ही डाले हैं। तो इसमें 3-4 आप डाल सकते हैं इतने ऑयल में। तो देखिए थोड़ा सा चीज़ ऊपर भी आ चुका है, तो इसीलिए ज़्यादा पकोड़े मत डालिएगा एक साथ में ही, तो 3 से 4 इतने ऑयल में डाल सकते हैं। तो देखिए बनकर तैयार हो चुका है चीज़ पकोड़ा। लॉकडाउन में बनाइएगा घर बैठे, आनंद लीजिएगा इस पकोड़े के, बहुत ही यम्मी बने हैं। तो इसे मैंने सर्व किया है कोकोनट चटनी के साथ, आप इसे पुदीने की चटनी या फिर धनिया पुदीना चटनी होती है उसके साथ भी, या फिर इमली की चटनी या फिर सॉस के साथ भी खा सकते हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, तो अंदर बिल्कुल बटर की तरह हुआ है क्योंकि ये फेटा चीज़ है। मोज़रेला चीज़ से बनाएंगे तो वो रबर की तरह स्प्रेड होगा, तो आप दोनों में कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो इसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है, मोज़रेला का चीज़ का थोड़ा टेस्ट अलग होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रेसिपी हमें ज़रूर बताइएगा, अगर आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, साथ में आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।